डीडीयू गेट पर मतगणना वाले दिन अफसरों की गाड़ियों की चेकिंग करने वाले 100 व्यक्तियों के ऊपर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि मतगणना वाले दिन ईवीएम को लेकर जिन लोगों ने भ्रामक अफवाहें फैलाई और लोगों की भावनाओं को भड़काया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की, ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें हुड़दंग फैलाने वाले लोगों का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, क्योंकि डीडीयू गेट पर कैमरा लगाया गया था, जिसके आधार पर 100 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी पहचान करके नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। एसएसपी ने कहा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखकर अफवाह फैलाया था, उनके विरुद्ध भी जांच कर कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, जी इसमें जिन लोगों ने ईवीएम को लेकर भ्रामक अफवाहें फैलाई और लोगों की भावनाओं को जगाया भड़काया और वहां पर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की, लोगों के लिए समस्या उत्पन्न की, उन हुड़दंगियों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 7 CLA एक्ट भी लगाया गया है और इसमें हमारे पास सभी जो ये लोग हैं इनका फुटेज उपलब्ध है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के गेट पर हमने कैमराज लगा रखे थे और उसी के आधार पे ऐसे 100 हुड़दंगियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जिनकी शिनाख्त करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। किसी पार्टी विशेष के लोग जी, इसमें जो भी लोग कैमरे की निगाह में आए हैं, गड़बड़ी फैलाते हुए पाए गए हैं, हंगामा करते हुए पाए गए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी प्रकार से भ्रामक सूचनाएं फैलाई हैं, उन सभी के विरुद्ध ये कार्यवाही की जाएगी। इसमें चाहे जो भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ नियमानुसार कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। ये थाना कैंट द्वारा ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जहाँ पर कि ये यूनिवर्सिटी परिसर स्थित है और उन्हीं के द्वारा ये आगे विवेचना की जाएगी, जिसमें कि जो साक्ष्य हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर लोगों को चिन्हित करके इसमें आगे कार्यवाही की जाएगी।